हेलो फ्रेंड, आज हमारे पास एक MSI का मदरबोर्ड है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, कभी ये मदरबोर्ड ऑन हो जाता है, कभी शॉर्टिंग दिखाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने जो है यहाँ पे जो है पावर केबल कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद जो है बोर्ड को ऑन करने जा रहा हूँ। ऑन कर रहा हूँ, आप देखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, मतलब फैन घूम के और बंद हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार जो है इस 4 पिन CPU कनेक्टर को हटा के और फिर ऑन करके देखेंगे। अब देख रहा हूँ, अभी भी जो है नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड के ऊपर भी जो है, कार्ड को जैसे मैं जो है पावर केबल लगा रहा हूँ, पावर केबल लगाने के बाद जो है फिर मैं ऑन करूँगा, ये फैन घूम के बंद हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में शॉर्टिंग का भी इशू हो सकता है। शॉर्टिंग का इशू हो सकता है फ्रेंड, तो इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद जो है सारी चीजों को डिस्कनेक्ट करता हूँ। मैं बोर्ड को निकालने जा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ों को डिसकनेक्ट करके जो है फिर से अब कनेक्ट कर रहा हूँ। बाहर निकाल के बोर्ड को चेक कर रहा हूँ। एक बार कार्ड भी लगा लेता हूँ। अब देखता हूँ, पहले बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था, अब देखता हूँ। यहाँ पे हमारा फ्रंट पैनल है, तो फ्रेंड अब मैं फाइनली इसको जो है ये हमारा ऑन बटन है, देख सकते हैं फ्रेंड। फिर से एक बार देखेंगे, फैन जो है थोड़े से घूम के जो है बंद हो जा रहा है। एक बार फिर से देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड, तो इस कंडीशन में शॉर्टिंग भी हो सकता है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्टिंग चेक कर लेना, शॉर्टिंग है भी या नहीं। एक बार 4 पिन CPU कनेक्टर को हटाने के बाद फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सेम प्रॉब्लम से है, फिर क्या करता हूँ, इसको डिसकनेक्ट करता हूँ, शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ।
एक बार बिना सीपीयू को ऑन करके देखेंगे बोर्ड ऑन हो रहा है कि नहीं है। फिर से ऑन कर रहा हूँ, अभी भी सेम प्रॉब्लम है। आप क्या करते हैं, पहले एक बार शॉर्टिंग कर लेते हैं, शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, मल्टीमीटर को क्या करें, बजर पॉइंट पे रखेंगे। पहले जो है 12 वोल्ट की शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, यहाँ पे वीआरएम की शॉर्टिंग, दो पॉजिटिव होते हैं और दो नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे वीआरएम के इनपुट में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, वीआरएम के जो है कॉइल पे आउटपुट में शॉर्टिंग हम एक बार चेक कर लेंगे, शॉर्टिंग आउटपुट में है या नहीं, कॉइल के ऊपर देख लेंगे। आउटपुट भी इसका ओके है, दैट मीन्स इस सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एटीएक्स में हम शॉर्टिंग को चेक कर लेंगे, पिन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। पिन नंबर 1 जो है 3.3 वोल्ट होता है, यहाँ पे शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 वोल्ट की शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। फिर जो है 4, 5, 6, 7, 8 की चेक कर लेंगे। पीजी स्टैंड बाई 10 पे चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। ये पीएस ऑन है, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। तो फ्रेंड एटीएक्स में भी शॉर्टिंग नहीं है और 4 पिन सीपीयू कनेक्टर में भी शॉर्टिंग नहीं है। तो जो हमारा जो पावर का जो सोर्स होता है वो हम चेक कर रहे हैं, शॉर्टिंग शो नहीं कर रहा है। बट जो है जब पावर एसएमपीएस को लगा के पावर ऑन कर रहा हूँ तो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप एक बार जो है एसएमपीएस को भी चेंज करके देखें, ठीक है। मैं दूसरा एसएमपीएस लगा के देखता हूँ एक बार। ये मेरे पास दूसरा एसएमपीएस है, इस एसएमपीएस के साथ मैं एक बार चेक करता हूँ। कई बार एसएमपीएस से भी प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड देख सकते हैं, पहले जो है हमारा जो है बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था, अब हमारा बोर्ड ऑन होने लगा। उस एसएमपीएस के साथ में, अगर इस एसएमपीएस के साथ में मैं चेक कर रहा था तो शॉर्टिंग शो कर रहा था, इस वजह से हमने ये सारा प्रोसेस किया। दैट मीन्स शॉर्टिंग की प्रॉब्लम बोर्ड में नहीं थी, पावर सप्लाई में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, इस वजह से हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम एसएमपीएस की है। फिर एक बार हम चेक करते हैं हमारे बोर्ड पे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार हम प्रोसेसर को लगाएंगे, प्रोसेसर को लगाने के बाद फिर रैम को लगा देंगे। पहले जो हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था, अब मैं एक बार लगाने के बाद जो है चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड, बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले आ गया, बोर्ड पे डिस्प्ले आ गया। प्रॉब्लम एसएमपीएस की थी, एसएमपीएस की जो है वजह से हमारा बोर्ड जो है शॉर्टिंग